बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान सैयद नदीम शाह इस वक्त मैं ग्वादर से हाजिर हूँ। नाजरीन, जब भी पाक चाइना कॉरिडोर का नाम आ जाता है या सीपेक का नाम आता है तो यकीनन हमारे जहन में वो पाकिस्तान का फ्यूचर का नाम आता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो यकीनन ब्राइट है और चमकदार है। नाजरीन, इस वक्त हम आपको ग्वादर के मुख्तलिफ जहाँ पे तरक्याती काम हुए हैं GDA की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पे वो हम आपको दिखाएंगे और मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और पार्क दिखाएंगे, यहाँ की तरक्याती काम हम आपको दिखाएंगे और हम DG GDA से भी इस हवाले से तासुरात लेंगे कि ग्वादर में कौन सी तरक्याती काम हुए हैं और मुस्तकबिल में कौन कौन से काम होंगे। आइए हमारे साथ ही रहिए। जी नाजरीन, इस वक्त जिस पार्क में मैं मौजूद हूँ, सेंट्रल पार्क, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं इस पार्क के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? नाम क्या है? मोहम्मद उमर। उमर भाई कहाँ से आए हो? मैं क्वेटा से आया हूँ सर। अच्छा, क्वेटा से आए हो? जी अब्बा। तो यहाँ काम करते हो? जी अब्बा। अच्छा, क्या करते हो इधर? इधर वाटर सप्लाई नहीं है। अच्छा। हाँ, GDA वहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बताओ पार्क के हवाले से, पार्क कैसा लगा? पार्क बहुत जबरदस्त पार्क है। सबसे पहले ये पार्क सुपरवाइजर जो है मकबूल साहब, मैं अपना तरफ से इसका शुक्रिया अदा करते हो। इधर लोग घूम शुम के लिए इधर आते हो, बहुत जबरदस्त निज़ाम चल रहे, देखो DSB सब कुछ इधर लगाया हुआ, मुझे बहुत प्यारा है। ये GDA वाला ने इतने इधर जितने भी कामें किया सबसे मैं बिल्कुल खुश हुआ, मुतमईन हुआ। जी मुतमईन हूं। जी अबा, कब से इधर ही हो आप? तकरीबन हमारा 5 महीने यहाँ पे पूरा हो गया। लोगों को क्या कहना चाहते हो कि आ जाए पार्क देखे, जो टूरिस्ट है खासतौर पर जो पंजाब और सिंध के लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते? सब लोगों के मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, समझ गए लोग, इधर जो बोतल फेरे, पापड़ मापड़ जो इधर का रहे, इधर प्लास्टिक इधर नहीं गिराना चाहिए, समझ। जो कोल्ड ड्रिंक पीते और हाँ, जो चिप्स वगैरह खाते हैं, अच्छा वो यहाँ पे गंद ना बनाए? ना, बिल्कुल गंद ना बनाए, होना चाहिए। अच्छा, वो उनको चाहिए कि प्लास्टिक वगैरह डस्टबिन में फेंक। वो आमने सामने लगी हुई है सर, देखो ये डस्टबिन लगी हुई, ये लोग गए रहने काम कर रहे, इधर देखो चक्कर मकर इधर भी लगा रहे, ये लोग चापर वापर इधर भी फेंक रहे ना। मकबूल साहब ने इधर बहुत मेहनत की क्या? देखो कितना अच्छा पैगाम इस भाई ने दिया कि जहाँ पे डस्टबिन लगे हुए कि इनको चाहिए कि वो जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो कचरा यहाँ पे ना फेंके, क्योंकि ये पार्क बनाए आप लोगों के लिए, हमारे लिए, लोग देखेंगे, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पार्क को देखने के लिए। तो एक और नौजवान मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? नाम इरफान है। इरफान भाई कहाँ से ताल्लुक है? जी मैं क्वेटा से ताल्लुक। अच्छा, आपका ताल्लुक भी क्वेटा से, मतलब क्वेटा वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पे? हाँ, इधर ग्वादर में थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। क्वेटा तो यहाँ से बहुत दूर भी है, कराची करीब है, कराची के लोग नहीं है, क्वेटा के लोग नजर आए बस। ये तो रोजी है ना। काम करते हो इधर? इधर काम करते हो? क्या काम करते हो? इधर ये पाइपलाइन में काम करते हो, ये पाइपलाइन का काम है कंपनी में। कब से इधर ही हो? तकरीबन 5 महीने से इधर ही हूँ मैं। बताओ ग्वादर के लोग कैसे हैं? ग्वादर के लोग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छा लोग है। बस इधर हम लोग इस वक्त पार्क भी आए हैं ना घूमने के लिए, चक्कर के लिए बस। मौसम भी बेहतरीन है, मई का महीना है फिर भी बेहतरीन मौसम, फिर भी गर्मी ज्यादा है ना। गर्मी ज्यादा है? क्वेटा का मौसम तो इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन इधर तो जो मौसम है इधर बहुत गर्मी है। सर्दियों में लोग आते हैं या नहीं? सर्दियों में इधर लोग बहुत आते हैं ना, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो अभी इस वक्त तो बहुत गर्मी है। क्वेटा में क्या पैगाम देना चाहते हो? पैगाम तो क्या पैगाम हम लोग दे दो, कोई पैगाम दे दो, अच्छा सा पैगाम। ग्वादर अच्छा जगह है लेकिन इसमें गर्मी ज्यादा है। ग्वादर अच्छा जगह है और गर्मी ज्यादा है, ये जो लोग बोल रहे हैं, नहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ग्वादर इस जगह है, लेकिन अच्छा जगह तो है ना, अच्छा में कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है, नहीं सर्दियों में तो गर्मी नहीं होती? सर्दियों में फिर मौसम मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी वो सही मौसम, बिल्कुल जबरदस्त मौसम है। जी नाजरीन, यहाँ पे ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है या लोग बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं ग्वादर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कहाँ से ताल्लुक है? जुनूबी वजीरिस्तान। अच्छा, जुनूबी वजीरिस्तान से आए हो, मतलब यहाँ पे वजीरिस्तानी भी बहुत है, क्वेटा वाले भी बहुत है। जी क्या काम करते हो? मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूँ। अच्छा ड्राइवर हो, कब से यहाँ पे हो? ये तकरीबन 5-6 महीने हो गया।
अच्छा ग्वादर कैसा जगह है ये बताएं? बहुत प्यारा खूबसूरत जगह है। आपके वजीरिस्तान में भी इस तरह इलाके हैं? वजीरिस्तान तो इसे जो है ना ज्यादा खूबसूरत। अच्छा खूबसूरत है। जी हाँ। तो आप समंदर तो नहीं है? नहीं नहीं, उधर समंदर नहीं। तो यहाँ समंदर है? यहाँ समंदर है, डीप सी पोर्ट है आप। जी जी यार, ये तो कैसा लगा ग्वादर? ग्वादर के लोग कैसे? माशाल्लाह लोग तो बहुत अच्छे लोग है, बहुत अच्छे लोग है, मेहमान नवाज है। मेहमान नवाज लोग है, बहुत अच्छे। आपका ख्याल रखते हैं या नहीं? आप बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। अमन कैसा, अमन है या नहीं? माशाल्लाह अमन तो बहुत है, अभी 5-6 महीने हो गया इधर, हम लोगों ने कुछ सुना नहीं ना कुछ देखा है। ठीक है, अमन तो बहुत पूरे अमन है, लोग अच्छे है, बहुत बहुत अच्छे लोग है। क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी काम के लिए आते है आ जाओ, काम करो, कोई जो है ना खतरा मतरा कुछ भी नहीं है, पूरे अमन इलाका है। अच्छा, लोग ये सोच रहे कि बलूचिस्तान है, खुदा न खासा पता नहीं किस तरह हालात हो। नहीं माशाल्लाह बलूचिस्तान तो अभी जो है ना माशाल्लाह अच्छा जगह है, पूरे अमन है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, हमारा तकरीबन 5-6 महीने हो गया अभी तक जो है ना हमारे को कोई ऐसा हादसा नहीं पेश हुआ है। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर में, एक खूबसूरत पार्क GDA की तरफ से बनाया गया है जिसे सेंट्रल पार्क या अरबी पार्क भी कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PRO2 GDA आफिज बलोच साहब, इनसे इस पार्क के हवाले से कुछ तासुरात लेते हैं कि ये पार्क जो है कब बनाया गया है और उसमें क्या क्या सहूलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पार्क के हवाले से बता दें। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम सेंट्रल पार्क उसको कहते हैं और अरबुई पार्क भी। आज से कोई 20 साल पहले जब ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजूद हुई थी तो ग्वादर की जो तरक्की है, तामीर तरक्की के साथ साथ यहाँ पे एंटरटेनमेंट के या सैर तफरीह की जो ज़रूरियात हैं, जो कमी को महसूस किया गया, बाकी जो इतने सहूलियात हैं उनके साथ, तो फिर इस पे इस तरफ तवज्जो दी गई और शुरू में यहाँ कोई 14 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल है ये पार्क। उस वक्त उसको इस्टेब्लिश किया गया और उस वक्त से मतलब ये ग्वादर का सबसे पहला और वाहिद पार्क था। फिर आगे चलते हुए ग्वादर में जो तरक्याती काम बढ़ते गए, उसके बाद फिर मज़ीद 2-3 पार्क GDA की तरफ से भी बनाए गए और ज़िले इंतज़ामिया और एक दो और अदारों की तरफ से भी बनाए गए, लेकिन मेन और सबसे बड़ा और सबसे पुराना पार्क आप इस पार्क को कह सकते हैं। इसके अंदर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बच्चों के लिए झूले हैं, वॉकिंग ट्रैक है, सब्ज़ार है और फूड पॉइंट हैं, कैफेटेरिया वगैरह हैं। शाम को यहाँ काफ़ी सारे ख्वातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े छोटे आते हैं, एंटरटेन होते हैं और यहाँ पे बेसिकली जो पार्क का जो कंसेप्ट है शहरी माहौल में, लोग आउटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर मेल मिलाप भी होता है, लोग आके मिलते हैं, बैठते हैं।